बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अलामा इकबाल पब्लिक प्राइमरी स्कूल कसूर क्लास 3। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का उर्दू का फोर्थ लेक्चर है और हमने क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करना है। बीक मांगने से क्या चीज़ अच्छी है? आंसर है बीक मांगने से मेहनत करना अच्छी चीज़ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत को पसंद फरमाते थे और भीख मांगना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त नापसंद था। मेहनत करने वाले को अल्लाह अपना दोस्त करार देता है और मेहनत से आदमी को कामयाबी भी मिलती है और इज्जत भी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सलीम अहमद का कारोबार कैसे फैला? आंसर है सलीम अहमद का कारोबार सच बोलने की वजह से फैला। जो सलीम अहमद है वो जब भी अपनी कोई चीज़ बेचने लगता तो उस चीज़ की क्वालिटी को बता देता था कि इस चीज़ की क्वालिटी अच्छी है और इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, और उसके सच बोलने की वजह से अल्लाह ताला ने उसको इनाम दिया। उसकी जो छोटी सी दुकान थी वो बड़ी दुकान में बदल गई। क्वेश्चन नंबर 18 है, सच बोलने वालों को जन्नत मिलेगी, जन्नत कैसी जगह है? दो जुमलों में बताएं। आंसर है जन्नत खूबसूरत बाग की तरह है, जन्नत में हर चीज़ मुहैया होगी। जन्नत एक खूबसूरत जगह है, वहाँ अल्लाह की नेमतें ही नेमतें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें झूठ बोलने से मना फरमाया है और फरमाया कि अगर एक शख्स सच बोलना शुरू करता है और सच बोलता रहता है तो जो सच बोलना उसकी आदत बन जाता है, फरिश्ते उसका नाम सच बोलने वालों में लिख लेते हैं और सच की आदत की वजह से उसे जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पाकिस्तान का बानी कौन है? इनकी दो खूबियाँ लिखें। आंसर है पाकिस्तान का बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जना है। और उनकी दो खूबियाँ कौन सी हैं? कायदे आज़म की हिम्मत और मेहनत से पाकिस्तान बना। दूसरा है कायदे आज़म एक अजीम रहनुमा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आम तौर पर दांतों की क्या बीमारियां होती हैं? आंसर है मसूड़ों से खून आना, कीड़ा लगना और दर्द होना। जो गुज़ा या खुराक हम खाते हैं इसके कुछ ज़र्रात मसूड़ों और दांतों में फंस कर रह जाते हैं। अगर इन्हें मिसवाक या ब्रश के साथ ज़र्रात को ना निकाला जाए तो इससे दांतों की बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे दांतों में कीड़ा लगना और मसूड़ों से खून आना वगैरह। ओके स्टूडेंट्स, आपके 20 क्वेश्चन कम्प्लीट हो चुके हैं। आपने इन्हें अच्छे तरीके से याद करना है और लिख के भी दिखाना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।